ये सीन एक्चुअली कुछ ऐसा है, इससे पहले जो एक सीन हुआ है उसमें हम लोग श्रद्धा के घर जाते हैं, जैसा माँ हमें कहती है कि जाओ उससे खाना खाने को बोल दो, क्योंकि और वहाँ हम श्रद्धा की पूरी सच्चाई देख लेते हैं, पूरी असलियत उसके सामने आ जाती है, वहाँ हम देखते हैं श्रद्धा, थोड़े दिनों बाद पता चलेगा। बिल्कुल, अभी हम बताएंगे नहीं, दैट्स अ ट्विस्ट, बट पूरी सच्चाई श्रद्धा की उस घर में, उसके अपने घर में सामने आ जाती है, जो कि बिहान है तब की छुप के देख लेते हैं खिड़की से। वही सच्चाई मैं आज घर में ध्रुव सर को बताने जा रही होती हूँ, जहाँ बिहान मुझे टोक देते हैं आकर, मुझे बताने नहीं देते हैं। ऊपर ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं अपने रूम में, मुझे घसीटते हुए लाते हैं इस रूम में, एंड तो उसमें वहाँ ये मुझे मना करती हैं श्रद्धा के घर में कि मैं उसकी बैंड बजाने वाला होता हूँ, वो हमारी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलती है, उसके मन में जो भी होता है वो सब निकाल देती है। तब मैं वहाँ उसे उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए उसे जाता हूँ उसको कुछ करने के लिए, तो मैडम रोकती है, नहीं नहीं हमें बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें उसकी सच्चाई सबको दिखानी होगी। तो फिर हम लोग प्लान करते हैं, चलो वो देखते हैं कैसे दिखाएंगे, और आज मैडम खुद वो हरकत करती है, सीधा ध्रुव के पास चल जाती है वो मुँह उठा के, तो मैंने बोलता क्या मुझे मना किया और खुद मुँह उठा के चले गए। या बेसिकली दिस इज द सीन दैट ये मुझे रोक रहे हैं कि डायरेक्ट जाके किसी फैमिली मेंबर्स से ना बात करूँ श्रद्धा के बारे में, बिकॉज श्रद्धा ने सबका मन इतनी अच्छी तरह जीता हुआ है कि नो वन विल बिलीव अस, सो बेसिकली द सीन इज लाइक दैट। या सो आगे की सीन में कुछ लाइक अभी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं आपके सीन में। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो बहुत सारे हैं थपकी प्यार की में, सो तो बहुत है, हम खुद कई बार शॉक हो जाते हैं क्या ये क्या हुआ है। सो दिस इज अ वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन, एंड आई बिलीव कि इफ अगर इस स्टोरी लाइन पे स्टिक रहे तो यू नो आगे के ट्विस्ट एंड टर्न्स और भी ज्यादा अच्छे आएंगे, एंड आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत क्यूट सीन्स हैं, सबसे बहुत मजा आता है कि मतलब इवन मैं खुद सोचता हूँ कि इन रियल लाइफ भी अगर इंसान ऐसा हो तो यही करेगा, और एग्जैक्टली सेम वही क्यूट सीन्स रहते हैं, मनाना झगड़ाना ये हमारी चलती रहती है कोल्ड वाला। ऐसा ही कुछ है हमारा तो, जहाँ तक मैंने स्क्रीन प्लेस पढ़े, अदरवाइज और आपको कुछ पता है हमारी मेन टाइटल, सॉरी इनको थोड़ा ज़्यादा पता होता है। या सो आई वॉन्ट कि आप लोग हमें और मोटिवेट करें इन चीज़ों के लिए, एंड आगे जो भी टर्न्स एंड ट्विस्ट आएंगे उसको देखें, उसको और अप्रिशिएट करें, सो दैट वी कैन वर्क मोर हार्डर फॉर यू। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग थपकी प्यार की, ओनली ऑन कलर्स एट 7। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।